झी 24 तास एक पाऊल पुढे। पुन्हा एकदा जाऊयात मोहनसिंग अहलुवालिया यांच्या पत्रकार परिषदेत। लिख सकते हैं दूध का जो प्रोसेसिंग खर्चा वो 42 पैसे प्रति लीटर आता है और ये जो 42 पैसे प्रति लीटर आता है वो मल्टीनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी है तब आता है, नहीं तो वो और घटता है। जो खर्चा है वो 42 पैसे प्रति लीटर प्रोसेसिंग खर्चा है और तकरीबन 160 किलोमीटर का दायरा काउंट करें यानी 160 किलोमीटर के दायरे से दूध यदि इकट्ठा करता है एक प्लांट तो 60 पैसे प्रति लीटर दूध का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आता है किसान से लेकर के कंपनी तक यानी उस प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट तक और 86 पैसे से लेकर के 1.5 रुपए प्रति लीटर तक अलग अलग कंपनियां रिटेलर को मार्जिन देती हैं। जो रिटेलर है जो सीधा कंज्यूमर को दूध देता है उसको मार्जिन देती हैं और कंपनियों का जो टोटल क्या नाम है जो प्लांट से दूध चला और जो रिटेलर तक पहुंचा और बीच में जो सीएनडफ है 10 पैसे से लेकर के 25 पैसे तक सीएनडफ का है और 60 पैसे से लेकर 65 पैसे तक का खर्चा कंपनियों से यानी प्लांट से लेकर के रिटेलर तक ट्रांसपोर्टेशन का है। ये सारा जो काउंट करोगे 2 रुपए में पूरा हो जाता है, लगभग 2 रुपए से थोड़ा पैसा ऊपर जाता है। तो दूध पे तो आपका खर्चा यदि 2.25-2 रुपए में पूरा हो जाता है तो दूध पे 1 से 1.5 रुपए का मुनाफा वाजिब होता है, इससे ज्यादा मुनाफे की तो आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि आप कह रहे हो कि हम जो भी काम करते हैं कीमत बढ़ाते हैं उसका जो बेनिफिट है वो किसान को देते हैं, तो दोनों आप बाकी सारा बेनिफिट हमें दे दीजिए। आप प्रोसेसिंग खर्चा रख करके और जो तो इस प्रोसेसिंग खर्चे में जो समस्त कर्मचारी हैं स्टाफ वो सारा शामिल हो जाता है, आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के देख लें उनका प्रोसेसिंग। हम ये जानना चाहते हैं कि आप सारे आंकड़े समझ गए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये कहना बेचे चाहे वो जितने जी वो उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। अगर हमने कोई चीज आपसे खरीद ली और हमें आगे जाकर से कुछ भी कर सकते हैं उतनी नहीं दे सकते, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आपका दूध कौड़ियों के भाव खरीदा जा रहा है जिससे आप हताश निराश और बर्बाद हो, ये कहना चाहते हैं। ऐसा है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप किसी भी कीमत पर खरीद के किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकते। दूध उन चीजों में से एक चीज है जो सुबह भी इस्तेमाल होता है शाम को भी इस्तेमाल होता है, जो 100 रुपए का मजदूर भी लेता है, जो 10 लाख रुपए कमाता होगा रोजाना वो भी लेता है। आप सबको देखिए, आप 100 रुपए वाले पर भी ध्यान करिए और आप ऊपर वाले पर चाहे तो ध्यान करें नहीं करें पर 100 रुपए वाले पर जरूर ध्यान करें आप। जब आपको दूध एक राष्ट्रीय चीज है, दूध वो नहीं है कोई खिलौना नहीं है, कोई आपने कोई आविष्कार नहीं किया, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं करी कि आप 18 का दूध लेकर 38 का दूध बेचेंगे, ये बिल्कुल गलत है। भारत सरकार ने 1962 में भारत सरकार के एक सर्कुलर निकाला था जिसमें ये कहा गया था कि दूध पर बिक्री पर 10% से ज्यादा मुनाफा नाजायज है, गलत है। यहां तो मुनाफा आप देखिए 12 रुपए किलो तक भी दूध खरीदा गया है, दूध 12 रुपए किलो तक भी खरीदा गया है और दूध 38 रुपए से ऊपर ही बेचा गया है। आप ये मैं ये बता रहा हूं आपको कि जब आपकी कंपनी के सारे खर्चे पूरे हो गए, आपने जब 34 रुपए किलो दूध खरीदा और 38 रुपए किलो दूध बेचा तब भी आपने दिखाया कि हमें मुनाफा हुआ है 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़, तो आप मुनाफा किसके लिए स्टोर कर रहे हो? आप कहते हो हम तो कोऑपरेटिव सेक्टर हैं, हमारा काम है सहभागिता के साथ पूरे देश को आगे ले जाने का, तो पूरे देश को आगे ले जाइए ना। जो दूध का उत्पादन कर रहे हैं वाकई पैसा उन्हें बांट दीजिए 1 लाख करोड़, तो देश अपने आप आगे आ जाएगा। आप एक तरफ कहते हो कि किसान भुखमरी पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हम बुंदेलखंड को 52,000 करोड़ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, अरे आप क्या दे रहे हो बाद की बात है, अभी तो आपने किसान का खून चूस लिया। आपने आप ये समझिए कि चारे की कीमत 3.5 रुपए किलो है और दूध की कीमत 18 रुपए किलो है। अभी एक नया पानी आया है मैंने उसमें देखा तो हिमालयन का किस्का है, उसकी कीमत कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो है। पानी 100 रुपए किलो, पानी 18 रुपए किलो, पानी 20 रुपए किलो और दूध 12 रुपए किलो, ये जायज है क्या? ये सही हुआ है क्या? और दुर्भाग्य की बात एक और भी है कि हमारे मीडिया बंधुओं को भी इस बात का पता नहीं चला। हम आपसे तो उम्मीद करते ही हैं कि आप ये मुद्दा बहुत दिन पहले उठाते कि दूध की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, आपने ध्यान ही नहीं किया इस तरफ कि दूध की कीमतें बढ़ती रही, किसान की कीमतें घटती रही, कंज्यूमर पिसता रहा, किसान रोता रहा, सब चुपचाप देखते रहे, ये तो ठीक नहीं है। सब चीज वैसे ही है, पेट्रोल
कुछ पेट्रोल कम करके तो काम चल सकता है ना, कुछ पेट्रोल कम काम चला के चल सकता है, लेकिन जिस बच्चे को, जिस माँ को, जिस बच्चे को 100 ग्राम दूध पिलाना वो तो पिलाएगी ना, उसके संग तो गलत हुआ। और एक चीज और देंगे हम, सरकार वहां पर लेबोरेटरी लगाए, कंज्यूमर को ये सुविधा उपलब्ध कराए, 10 रुपए में दूध टेस्ट हो जाता है, 10 रुपए के केमिकल डाले, आदमी कंज्यूमर फ्रेंड दूध उठाए, टेस्ट कराए, तब दूध लेकर के जाए। अभी तो एक ऐसा काम देश में हो रहा है, वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे आपको, कि मैं आपको नकली मिलावटी दूध बनाकर दिखाऊंगा यहां, और वही दूध पास हो जाएगा सरकार की लैब में। बहुत बड़ा आंदोलन, ऐसा आंदोलन देखने को मिलेगा। देखिए अभी एक आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार को लेकर के, आंदोलन बहुत अच्छा था, भ्रष्टाचार चाहे जैसा हो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, विदेशी धन लाने के लिए आंदोलन हुआ, अरे वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार रोज आपके साथ हो रहा, आपका खून चूसा जा रहा है, उस पर भी ध्यान नहीं गया लोगों का। ये ऐसा आंदोलन होगा शायद सिस्टम और सरकार इस आंदोलन से निपट सके। अगर ये काम नहीं हुआ तो हम पूरी तैयारी में हैं, बंद होने के लिए तैयार हैं, लाठियां खाने के लिए तैयार हैं, पूरा मन बना करके पूरे देश में घूमे हैं कि अब जो भी होगा सरकार जो चाहे करे, या तो सरकार ये तय करना पड़ेगा, सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी दूध पर 4 रुपए से ज्यादा मुनाफा नाजायज नहीं लिया जा सकता। नहीं बटर ऑयल की कीमत जो है जी मार्केट में बहुत महंगा है, यहाँ पे घी की सस्ती है, मुझे नहीं लगता कि बटर ऑयल मिक्स करके घी बनाया जाता है, दूध में तो मिलता ही नहीं। आप क्या कहें दोबारा कहें, बटर ऑयल की कीमत बाहर महंगी है, यहाँ घी सस्ता है, बटर ऑयल को घी में मिलाया जा सकता है, दूध में तो मिलाया नहीं जा सकता। आप, मैं एक आपसे विनती करूंगा, आपने क्या किसी प्लांट का दौरा किया है जो प्लांट दूध का प्रोसेसिंग करते हैं? हम आपको कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़े ब्रांड की स्टोरी, मुझे मेरा सीधा सवाल ये है कि बटर ऑयल से दूध बनता है क्या? नहीं नहीं, बटर ऑयल जो है वो घी में इस्तेमाल किया जाता है, होता है बिल्कुल। घी जो कीमत मार्केट में है, हाँ, और घी की जो मार्केट में कीमत है, हाँ, घी की तो बहुत कम है, अगर उसको बाहर से लाके घी बनाए, हाँ, तो इतना घाटे का काम, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि बटर ऑयल और रिफाइंड, मैंने एक चीज आपको और बोली थी, उस पर आपका ध्यान नहीं गया कि बटर ऑयल रिफाइंड किस लिए कंपनियों में लाए जा रहे हैं। वो जो बटर ऑयल है वो कुछ मात्रा में डलता है, रिफाइंड बड़ी मात्रा में चलता है, और एक अलग से केमिकल आ रहा है, उसका नाम है RM32, लिख लीजिए RM32, वो घी का सारा मापदंड वो RM32 बना देता है, वो 3 या 4 चीजों को मिक्स करके वो घी बनाया जाता है, और वो घी अभी मार्केट में उपलब्ध है। ये केमिकल है, उसकी डिटेल मुझे नहीं पता क्या है, पर मार्केट में जब आप खरीदने जाओगे, पत्रकार बन के नहीं जाएं, आप दूधिया बन करके जाएं, प्लांट मालिक बन के जाएं, तो आपको मिल जाएगा RM32। आपको कहना है कि घी में मुझे 32 नंबर की RM बनानी है, जो घी पास आ जाए वो RM32 का घी आपको दे देगा। नहीं, दूध की सप्लाई अभी असर नहीं पड़ेगा, हम रोक देंगे तो भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में जो दूध की सप्लाई होनी है उसके लिए सारी कंपनियों ने दूध का स्टॉक कर लिया है, वो दूध की पूर्ति कर सकते हैं, वो हम अभी नहीं करेंगे, दूध की सप्लाई हम नहीं रोकेंगे, ना रुकेगी वो, और हमारे रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस सबसे, लेकिन हम सिस्टम को जरूर रोक देंगे। जी 24 तास एक पाउल पुढ़े।